Hi everyone, let's continue the journey of aspirations turning into reality. Let's continue the journey of you struggling to be an IITian Let's continue the journey of not giving up, not quitting, whatever be the circumstance. So, hi everyone, this is Monica vedhi and I welcome you all to An Academy J YouTube channel. But you can see me, I am audible, I am visible because I am getting started off with mole concept today. Absolutely amazing topic, बड़ा मजेदार, दिमाग चलाने वाला छोटे छोटे छोटे-छोटे कैलकुलेशंस लेकिन मजेदार तो फटाफट से, से सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से सारे फ्रेंड्स के साथ और लाइव आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे ठीक है हाय गौरव हाय डिजिटल खुशबू हाय बिरबान हाय खुशी हाय पुष्पिता हेलो नाक्ष तो चलो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट लेकिन इससे पहले अगर कोई मुझे नहीं जानता तो माय नेम इज मोनिका बेदी एम केमिस्ट्री एडुकेट ऑन दिस चैनल आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स एंड आई एम आल्सो अमंग द टॉप अमंगज एट एन अकेडमी बच्चों यहाँ पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जाहिर सी बात है सर्टनली हम चाहेंगे कि इसका नंबर जो है वो इसमें इजाफा हो बढ़ोतरी हो मतलब तो तो इंक्रीज हो और वो कैसे इंक्रीज होगा मेरे बच्चे इसको इंक्रीज करेंगे मन लगा के पढ़ाई करके बिल्कुल मेहनत के साथ में कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ेंगे और यहां और फोटोग्राफ्स आएंगी जो हमारे बच्चों के होंगे ठीक है बढ़ते हैं आगे कोड द मोल सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर डी कोड द मोल है ना अब मुझे ये बताएंगे थम्स अप करके कि हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द मोल बिकॉज नाइन्थ क्लास में आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है लेकिन इसको अपन एक डिफरेंट अंदाज में पढ़ने वाले हैं बट हाँ शुरुआत बेसिक से ही होगी शुरुआत तो बेसिक से ही होगी तभी तो हम उस लेवल पे जाएंगे एंड हाँ मैं आज ये भी बता दूं कि जैसे सेशन एंड होगा ना तो सेशन एंड करने के टाइम पे आज के क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है उसमें जेई मेंस में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम पी क्यूज करेंगे ठीक है रेडी थैंक यू सो मच अभिनव यादव थैंक यू सो मच सेशन को फटाफट से लाइक भी कर दो बच्चों प्यारे बच्चों मैथ्स क्लास चालू है अच्छा अभी ओवर हो जाएगी बेटा थोड़ी देर में छोड़ देगी मैम जल्दी जल्दी आ जाओ और फटाफट फड़ से इकट्ठे हो जाओ नीव में पढ़ा था प्रेम ने अच्छा काफी बच्चों ने तो पढ़ा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं यार दोबारा पढ़ लो देखो पढ़ा भी हुआ है ना तो भी दोबारा पढ़ लो क्योंकि आज के आ, बेसिकली जो हमारा जेएलडी है उसमें हमें हर चीज पढ़ानी है और शुरू से पढ़ानी है तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ डी द मूल बच्चों इतिहास गवाह है कि ह्यूमन बीइंग्स को चीजें सिंप्लीफाई करना अच्छा लगता है चीजों को सिंपल फॉर्म में बोलना और समझना अच्छा लगता है इस चीज का इतिहास गवाह है तभी तो मैथमेटिशियन नाम की चीज हुई और तभी तो मैथ्स नाम का सब्जेक्ट बना तो आज केमिस्ट्री में हम मैथ्स का तड़का लगाने वाले हैं इस मैथ्स नाम के सब्जेक्ट को थोड़ा सा केमिस्ट्री में मिलाने वाले हैं ठीक है कैसे क्या आप जानते हैं कि अगर आ, एक सॉक्स पड़ी मतलब दो सॉक्स पड़ी है दोनों पैरों की सॉक्स तो आप उसको क्या बुलाना पसंद करते हैं अ पेयर ऑफ सॉक्स क्योंकि आपको लगता है दो कौन बोले हम बोल देते हैं इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें होती जिनमें दो दो को आप क्या बोलते हैं आप बोल देते दो सॉक्स आप बोल देते दो का, फिर डबल चार, चार का फिर डबल लेकिन हमने बोला तो इस तरीके से हमने पेयर की यूज किया जस्ट टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट ठीक है सिमिलरली एक और सिंप्लीफिकेशन यूनिट से आप बहुत अच्छे से वाकिफ गए जिसको हम क्या बोलते हैं डन डजन का मतलब बारह तो क्यों मैथमेटिशियंस ने ट्वेल्व को सिंगल डिजिट में सिग्निफाई मतलब आई मीन रिप्रेजेंट किया बारह मतलब अगर कोई बारह एप्पल्स खरीद के लाया है तो वो बोल देता है मैं एक डजन एप्पल खरीद के लाया हूँ

वन मानते हो तो केमिस्ट्री में भी ऐसा एक चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं मोल तो जिस तरह दो को एक पेयर और बारह को एक डजन बोला जाता है सेम उसी स्टाइल में सिक्स पॉइंट जीरो बच्चों पर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स को हम एक बोलते हैं एक मोल बोलते हैं यहां तक बहुत छोटी सी बात थी आई थिंक सभी बच्चों को यह क्लियर हो गई होगी एक सेकेंड बच्चों ये थोड़ा सा रिमोट गड़बड़ कर रहा है मतलब मिसबिहेव कर रहा है पूरा ही चैप्टर खत्म कर दिया इसने एक ही बार में तो जिस तरीके से आपने दो को एक पेयर बोला बारह को एक डजन बोला उसी तरीके से ये एक नंबर है -10 के 23, इसको आप एक मोल बोल सकते हैं बोल सकते नहीं मतलब बोलेंगे सिक्स पॉइंट जीरो मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास गोल्ड का एक मोल है सोने का एक मोल तो उसका मतलब है कि उस गोल्ड के दड़बे में सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इन टू ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स है अगर आपको बोलू मैं पानी एक मोल पानी मैं यहां ग्लास में रख के बैठी हूँ लेट से मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ एक मोल पानी को मैं यहां ग्लास में रख के बैठी हूं तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि मेरे पास 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की समझ में आ गया तो एक बार करेंगे अगर ये बच्चा किसी दुकान में जाके किसी शॉप में जाके बोलता है कि मुझे एक मोल चॉकलेट्स दे दो जो कि ये ना तो ले सकता है ना घर ले जा सकता है बरसात हो जाएगी चॉकलेट्स की उसके ऊपर डूब जाएगा उसके अंदर घर नहीं ले जा सकता बट ही इज डिमांडिंग फॉर एवोकेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स वन मोल ऑफ चॉकलेट्स वॉट डज इट मीन इट इज दिस पर्सन इज डिमांडिंग फॉर दिस स्मॉल क्यूट बॉय इज डिमांडिंग फॉर सिक्स पॉइंट जीरो

थोड़ा सा फील दिलवाना चाहती बहुत बहुत नॉर्मल चीज़ है आपको फटाफट से।, हाँ 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 -फड़ से बताओ हर बच्चे को मोल समझ में आएगा आज की क्लास के बाद इतना अपन अच्छे से इसको लेने वाले हैं फाइव है वेरी गुड राजावत वेरी गुड शिवम वेरी गुड एवरीवन वन फाइव तो बेटा जिस तरीके से आप 10 को पाँच पेयर्स कहते हो कैसे बता 10 बटा दो यानी 10 बाई टू सिमिलरली बोलो 20 कितने पेयर है तो 20 बाय टू कर दोगे आप कहोगे मैम 10 पेयर्स है सिमिलरली मैं कहूँ 50 कितने पेयर है आप कहोगे मैम 50 बाई टू यानी कि 25 फाइव पेयर्स है अगर इसी तरीके से मुझे डजन में कन्वर्ट करना होगा तो डजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं कहूंगी बारह कितना है आप बोलोगे मैम वन डजन है कैसे डिवाइडेड बाय बारह मैं कहूँ बेटा मैं आपसे पूछूंगी सिक्सटी कितना है तो आप डिवाइड बाय बारह करके बोलेंगे पाँच डजन

बोलूंगी तो बोलोगे मैम डिवाइड बाई टू करके मुझे आंसर दे दोगे तो अगर सिमिलरली मैं किसी भी नंबर को मोल्स में कन्वर्ट करने बोलूंगी तो आप क्या करने वाले हो पेयर में कन्वर्ट करते वक्त पेयर की वैल्यू से डिवाइड डजन में कन्वर्ट करते वक्त डजन तो की वैल्यू से डिवाइड और मोल में कन्वर्ट करते वक्त मोल की वैल्यू से डिवाइड तो मैंने बोला ट्वेल्व पॉइंट जीरो डबल फोर इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री हाइड्रोजन आइटम्स मेरे पास है ये कितने मोल हैं आप इसको किससे डिवाइड करने वाले हो आप डिवाइड करने वाले हो सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री यानी कि टू मोल सिमिलरली मैं आपसे बोलती हूँ कि सिक्सटी पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री कितने मोल्स हैं कितने मोल्स हैं बेटा ये

एक पेयर का वैल्यू होता है दो एक डजन का वैल्यू होता है बारह ये मेरे बच्चों को पहले से क्लियर था आज क्लियर नहीं हुआ एक मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन के पास ट्वेंटी थी किसी भी नंबर को पेयर में बदलने के लिए दो से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को डजन में बदलने के लिए बारह से डिवाइड करेंगे और किसी भी नंबर को मोल में बदलने के लिए वन मोल का वैल्यू यानी कि जिसको हम एवोकेडो नंबर बोलते हैं क्योंकि एवोकेडो ने इसको डी किया था सिक्स पॉइंट के पास ट्वेंटी थ्री से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट टू हैव नंबर ऑफ मोल्स तो चलो एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए पांच नंबर का एक छोटा सा टेस्ट जितना भी तुमने पढ़ा है उस बेसिस पे मुझे बताना किसके पांच में से पांच आए चलो इसका आंसर दो फर्स्ट वाले का यहां भी रिपोर्ट करते जाओ और Uh, मैं फटाफट से लिखती जाती हूं। बताएंगे बच्चों। और बहुत तरीके से करने वाले कितने पानी के मॉलिक्यूल्स कटक गई मैं कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कटक गई मैं कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एटम्स कटक गई तो ये सारी चीजें मैं तुमसे पूछने वाली हूँ मैंने रिंग पहनी रिंग पहनी नहीं है इसमें पहनी है। तो इसके अंदर क्या है इसके अंदर डायमंड है तो डायमंड के लिए मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि बेटा मैंने कितने कार्बन आइटम्स वियर कर रखे अपने फिंगर में ठीक है तो ऐसे हम बहुत ही डिफरेंट अंदाज में पढ़ने वाले हैं और यहाँ तनु चौधरी आंसर कर रहे हैं वन पहले का आंसर वन है क्या आंसर करने जा रहे हो तुम लोग जीरो पॉइंट फाइव है कुछ भी कुछ भी कुछ भी देखो यहाँ पे बरानवाल क्लासेस नाम से कोई बच्चा है इसने सही आंसर किया है दोनों ही क्वेश्चंस का जो कि इस वक्त बोर्ड पे लिखा हुआ है और सेशन को लाइक देखो लाइक ही नहीं कर रखे लाइक नहीं कर कंजूस कर कंजूस बच्चों फटाफट से 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 लाइक लाइक दो जल्दी से सेशन को करने से मोटिवेशन आता है अगर एक चाय का कप भी बनाते हो अपनी मम्मी के लिए कि मम्मी देखो मैंने आपके लिए चाय बनाई है और मम्मी कुछ भी जवाब नहीं देगी तो बुरा लगेगा मम्मी कहेगी अच्छी बनी बेटा अच्छा लगेगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव एग्जैक्टली यार कैलकुलेशन बहुत सिंपल है बेटा बहुत सिंपल है देखो Into 10 की पार। मैंने कहा था कोई भी आपको जाएगा अगर ट्वेंटी so, ये कट जाएगा आंसर आएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव मोल्स ठीक है जिस बच्चे ने सही किया मार्क्स देगा इधर इसको किससे डिवाइड करेंगे सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन की पार ट्वेंटी थ्री जिसमें यह कट जाएगा और ये आ जाएगा समझे इधर करिएगा ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करिएगा फटाफट जल्दी से क्विकली नेक्स्ट पेज के दोनों क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड पे आ चुके हैं और फटाफट से इसका आंसर करें जेएलडी अभ्यास बेटा होगा फरहा बिल्कुल होगा आपको पेशेंस बना के रखनी है तब होगा जब हम एक रीजनेबल लेवल पे पढ़ा चुके होंगे मैं टोटल तीन क्लासेस लेने के बाद में जेएलडी अभ्यास का सेशन लूंगी ठीक है मतलब कुछ कंटेंट तो हो ना तब तो अपन अभ्यास लें फिर बाकी अभ्यास में क्या लेंगे और क्या चल रहा है जिंदगी में ये क्वेश्चन पूछने पड़ जाएंगे चार ऑप्शन मजे चल रहे हैं दूसरा ऑप्शन साइंस लेके गलती हो गई तीसरा ऑप्शन जेई के लिए करके गलती हो गई ऐसे ऐसा फिर पढ़ने पड़ जाएंगे कंटेंट तो आने दो क्वेश्चन के लिए चलो स्टार्ट करते किसका है उससे मतलब नहीं है यार एक बात बताओ जो है वो एप्पल हो बनाना हो पेन हो पेंसिल हो रेजर हो क्या फर्क पड़ता है डजन तो बारह ही होता है ना तो जो नंबर होता है वो इस बात पर निर्भर नहीं होता वो किस चीज का नंबर है मैं आज पेन लेके बैठ जाऊँ बारा तो भी वही डजन होगा और बारह में एप्पल्स लेके बैठ जाऊँ तो भी वो वन डजन ठीक है सिमिलरली किस चीज का है फिलहाल इससे फर्क नहीं पड़ रहा आगे पड़ेगा अभी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन में नहीं पड़ रहा तो डिवाइड करेंगे इसको into 10 के 23 से जल्दी से डिवाइड करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको कर चुके हैं और इसका आंसर क्या आ जाएगा वन पॉइंट टू फाइव मोल्स और इसको यहाँ डिवाइड करेंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री इसमें कंफ्यूज होना मैम आपने करवा दिया बुक्स में सिक्स जीरो थ्री लिखो टू टू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है वो टू टू है और उसके आगे बहुत लंबा फिगर है जिसको राउंड ऑफ करके टू थ्री लिखते हैं कई लोग टू टू लिखते हैं दोनों सही हैं. ठीक है तो यहां पे इसकी बात कर रही हूं आपका ट्वेंटीड बायस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाय सिक्स थ्री पॉइंट थ्री एट हो जाएगा ना थ्री पॉइंट थ्री एट हो जाएगा हम्म थोड़ी होगा पावर भी तो देखो बिट्टू बेटा पावर भी देखो है ना 3.38 हो जाएगा 3.38 पॉइंट मोल्स तो सारे बच्चों को एक चीज बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर है और वो चीज क्या है कि हमें पेयर्स दिए जाएंगे टू से डिवाइड करेंगे डजन पूछे जाएंगे ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे और मोल्स पूछे जाएंगे आप ओके नंबर से डिवाइड करेंगे ठीक है ये सबको क्लियर है अब ये करो जरा क्विकली जल्दी जल्दी और मैं तुम्हें तो बता दूं मोल कॉन्सेप्ट आसान नहीं लगता बच्चों को लेकिन अपन मेहनत से करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लगेगा इसका आंसर बताओ जरा फटा फटाफट से देखिए कौन सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर यहां बॉक्स में बताता है आ रहा है। कि ये ऐसे fractions में नहीं बताना है ऐसे फ्रैक्शन में नहीं बताना है स्टडी एरर ने एक तो अपने नाम के कि क्या देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ क्या कह रहा है जिस बच्चे को फेमस कर देते हैं क्या टॉपर बनेंगे हम इतना सिंपल नहीं आता ये चाहता है कि जब एक बेबी बॉर्न हो ना जिस वक्त एक बेबी बॉर्न हो तो उस वक्त ही उसको चलना नहीं सिखाया जाए उसको ना मतलब एथलीट बनाने के लिए बॉर्न होते ही दौड़ाया जाए खतरनाक तरीके से या एक बेबी बॉर्न हो तो उसको कोई दूध वगैरह नहीं चखाया जाए उसको क्या चखाया जाए उसको सीधा मिर्ची और मसाले भरे खाना खिलाया क्योंकि फ्यूचर में तो खिलाना ही है ना तो आज से क्यों नहीं हर चीज स्टार्ट हमेशा बेसिक लेवल से होती है और बेसिक्स कभी नहीं बदलते जब तक आप बेसिक्स को अच्छे से जॉब नहीं करोगे आप एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच सकते नाम में इन्होंने एरर लगा रखा है और कॉमेंट इनके एरर से भरपूर है इनके हिसाब से तो जो जितने भी बैडमिंटन खिलाड़ी हुए हैं ना वो जैसे पैदा ही हुए थे ना जस्ट तो पैदा होते ही इनकी मम्मी ने हाथ में ऐसे बैडमिंटन पकड़ा दिया था तो धार धूर धार धूर शॉर्ट्स मार रहे थे ये है ना क्योंकि अगर लेटे लेटे रोएंगे तो बोलेंगे तू क्या खिलाड़ी बनेगा तू तो रो रहा है तेरे तो हाथ में बैडमिंटन ही नहीं है तो वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन की पार माइनस माइनस आएगा ना बेटा वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पार ट्वेंटी थ्री तो पावर ऊपर चले जाएगी टेन की पावर माइनस ट्वेंटी थ्री हो जाएगी बेटा और थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स तुम कर लो ये कितना आ रहा है कुछ आएगा वन सिक्सटी सिक्स इंटू टेन की पार माइनस ट्वेंटी थ्री मोल्स आ जाएगा ठीक है अच्छा एक बात बताओ जरा ये कितना पेयर है फटाफट बताना ये कितना पेयर है और एक स्माइल कर दो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर ये कितना पेयर है है, जल्दी जीरो पॉइंट फाइव आधा पेयर है ना ये डजन कितना है पेयर का तो आधा हिस्सा क्योंकि वन बाय टू है टू। ये कितने डजन मैंने ये जो पेन हाथ में ले रखा हाउ मेनी मेनी डजन 2023 बच्चों। लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं जय मीनस के क्वेश्चन लगाने वाले हैं जितना आज पड़ेंगे उस पर तुम्हारा टेस्ट होगा लास्ट में आज की क्लास में दो से तीन टेस्ट होने वाले हैं और लास्ट टेस्ट पीवाई के बेस्ड होगा One, one 6 23. 6 23. तो हमें क्लियर हो गया ना हमें क्या करना है मोल जब भी हमें नंबर के थ्रू मोल निकालना है तो हमको सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन की पार ट्वेंटी थ्री से डिवाइड करना है अब बेटा एक नया फंडा नया कॉन्सेप्ट ठीक है जो तुमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बट उसकी क्लैरिटी हम आज करने वाले हैं वट इज अटॉमिक मास यूनिट क्या होता है ये ए एम यू तुमने सुना होगा हाइड्रोजन का मास वन एम यू होता है कार्बन का मास जो है वो ट्वेल्व ए एमयू होता है ऑक्सीजन का सिक्सटीन एमयू होता है तुम लोगों ने किताबों में ए एमयू यूनिट में मासेस को देखा होगा ठीक है लेकिन ये ए एमयू क्या होता है बेटा ए एमयू एक कार्बन का एक बट्टे बारहवें हिस्से के मास को बोलते हैं वन ए एमयू इज वन टन कार्बन आटम वन एम यू इज वन ऑफ वन कार्बन आटम यहां मैं तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी करूंगी क्योंकि हो सकता है तुमने ये भी पढ़ा हुआ हो कि हां मैम कार्बन का एक बटा बारहवें हिस्से के मास को हम वन ए एम यू पुकारते हैं कार्बन को एक पिज्जा मान लो मान लो ऐसे मान लो एग्जाम्पल हाइपोथिटिकल कार्बन को क्या मान लो पिज्जा पिज्जा के बारह स्लाइसों तो से कोई नहीं करता मैं तो शायद फोर स्लाइसेस भी नहीं करती क्योंकि मुझे तो बहुत सारा पिज्जा खाना होता है ठीक है लेकिन पिज्जा के आपने कितने किए बारह स्लाइसेस किए बारह स्लाइसेस में से मैं जनरली हाइपोथेटिकली ले रही हूँ इस चीज को मतलब पिज्जा बोल रही हूँ कार्बन इट्स एन ऑफ कार्बन टुवेल्व बट अगर मैं इसको पिज्जा मानू तो इसका ये पिज्जा स्लाइस क्या कहलाएगा वन ए एम यू कहलाएगा यानी एक कार्बन को अगर आप बारह इक्वल टुकड़ों में तोड़ दो तो उसका एक टुकड़ा एक टुकड़ा क्या कहलाएगा 1 एएमयू कहलाएगा व्हिच मींस देखो इट इज डिफाइंड एज नंबर व्हिच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर आप लिखते हो कि कार्बन खुद 12 एएमयू है तो व्हिच मींस कार्बन इटसेल्फ इज 12 टाइम्स हेवीयर देन 1/12th ऑफ C12 अपने ही एक बट्टे 12वें हिस्से से 12 गुना भारी तो होगा यार अपने ही एक बट्टे 12वें हिस्से से 12 गुना भारी होगा ठीक है कौन कार्बन उसके अलावा ऑक्सीजन देखो 16 amu 16 amu का क्या मतलब है कि कार्बन के एक बट्टे बारहवे हिस्से से ऑक्सीजन 16 गुना भारी है हीलियम कितना होता है 4 amu व्हाट डज इट मीन 4 amu का क्या मतलब है कार्बन के एक बट्टे बारहवे हिस्से से चार गुना भारी है एक हीलियम का आटम एक हीलियम का आटम कार्बन के एक बट्टा बारहवे हिस्से से कितना भारी है चार गुना भारी है ठीक है क्लियर हो गया ये चीज सबको सबको क्लियर है ऑल राइट right. चलो अब मुझे ये बताओ कि ये कार्बन का एक बटा बारहवा हिस्सा एक्चुअली है क्या व्हाट इज दिस एक बटा बारवा हिस्सा क्विकली जल्दी जल्दी पढ़ाई में ध्यान दो ऐसे ये स्पैमिंग मत करो फटाफट से करो

न्यूट्रॉन का मास में थोड़ा बहुत अंतर होता होगा तो अगर हमको किसी एवरेज मास वन पर न्यूक्लियन निकालना हो एवरेज मास पर न्यूक्लियन तो हम क्या बोलेंगे एवरेज मास पर न्यूक्लियन ही वन ई एम यू है क्योंकि कार्बन आइटम का जो न्यूक्लियस है देखो किसी भी आइटम का जो मास होता है ना वो उसके न्यूक्लियस में होता है वॉल्यूम

एक का एवरेज मास हमने निकाल लिया और उसी को हमने वन एमयू बोल दिया हीलियम के अंदर चार खिलाड़ी थे तो उन चार खिलाड़ियों को उस एक के मास से चार गुना बोलोगे ना? में कितने खिलाड़ी हैं आठ और आठ सोलह तो सिक्सटीन टाइम्स ऑफ दैट वन न्यूक्लियन दिस इज थिंग हाँ तो वन एमयूगा मास पर न्यूक्लियॉन एवरेज मास पर न्यूक्लियॉन एवरेज मास कार्बन स्पेशल एलिमेंट अरे पहले ना मतलब आ, बहुत पहले की बात बता रही हूं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया जाता था बाद में इनकी पता नहीं क्या पॉलिटिक्स हुई क्या हुआ मालूम नहीं फिर इन्होंने बीच में ना इन्होंने एक कह रहा है हाइड्रोजन को रेफरेंस लेना है एक कह रहा है ऑक्सीजन को रेफरेंस लेना है लेकिन इन्होंने फाइनली जो तय किया वो किसी कि ये ये कह रहे हैं ये, ये कह रहे हो तो किसी तीसरे की बात मान लो तो दूसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कह रहा था कि कार्बन को रेफरेंस लेना है तो मेनली फिर कार्बन को रेफरेंस दिया गया हालांकि बहुत रेलिवेंट नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने रेफरेंस किया आज वो हमारे बीच में नहीं है तो हम क्वेश्चन करें तो किसको करें हम अगर अपनी समझ से समझे इन लोगों ने जो रीजन दिया था वो रीजन को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट लॉजिकल नहीं लगता ये ये कहते हैं कि कार्बन का जो मास है वो ट्वेल्व ए एग्जैक्ट रहता है भाई एक चीज बताओ तुम तुम किस बात पर खुश हो रहे हो पहले तुमने कार्बन के बारह टुकड़े किए उस एक टुकड़े को वन ए बोला अब उसको वन को वापस ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करके खुश हो रहे हो बारह आ रहा है अरे भाई वो तो बारह ही आएगा ना तुमने नब्बे के दस टुकड़े के हो गया एक टुकड़े का मास आया नौ तुम कह रहे हो नौ को वापस दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नब्बे आएगा अरे तो नब्बे ही आएगा ना मुझे ऐसे लगता है कि कार्बन को स्टैंडर्ड इसलिए लिया गया क्योंकि कार्बन का एक तो अबंडेंस बहुत ज्यादा है Abundance बहुत ज्यादा है और दूसरा कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें आपका जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है उसका भी काफी ज्यादा है है मतलब 98 आ जाता है। तो इसलिए कार्बन को रेफरेंस लिया गया ये ये चीज नहीं है ऐसे तो हम ऑक्सीजन को भी ले सकते थे किसी और को भी ले सकते थे लेकिन आपकी जानकारी के लिए किताबों में ये मैंशन होता है कि कार्बन का जो मास होता है वो सबसे ज्यादा मतलब फ्रैक्शन में नहीं होता होल नंबर्स में आता है ट्वेल्व दैट इज द रीजन ठीक है समझ गए हां जी काफी बच्चे पूछते थे कार्बन को ही क्यों रेफरेंस एनी वेज वो कोई रिलेवेंट भी नहीं ना तुमसे कोई जेई में पूछने वाला है कि कार्बन को क्यों रेफरेंस लिया हम तो अभी बेसिक चीज पढ़ रहे हैं कि कार्बन के बारह के कार्बन के न्यूक्लियस के क्योंकि मास पूरा वही होता है और एक एक न्यू टुकड़े को एक पिज्जा स्लाइस को बेटू अपन ने क्या बुलाया अपन ने वन एमयू बुलाया एक पिज्जा स्लाइस को अपन ने क्या बुलाया वन ए एमयू बुलाया जिसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अगर ऑक्सीजन को मैं सोलह ए एमयू बोल रही हूं तो वो एक्चुअली सोलह गुना भारी है सोलह गुना भारी है एस कंपेयर टू वन एमयू स्लाइस से चार गुना भारी है, 4 amu है ना? और कार्बन खुद अपने ही एक बट्टा बारह हिस्से से गुना भारी है एकदम सिंपल हो गया नाइट्रोजन को मैं क्या बोल रही हूँ फोर्टीन ए बोल रही हूँ उस हिस्से चौदह गुना भारी है लेकिन साइंटिफिकली देखो तो आप वन एमयू किसको बोल

फोर ए एमयू फॉर हिलियम क्या मतलब है इसका फोर टाइम्स एक न्यूक्लियन के एवरेज मास से चार गुना भारी कार्बन ट्वेल्व के एक बट बारवा हिस्से से चार गुना भारी तराजू में रखे अगर एक तरफ हिलियम का एटम तो दूसरी तरफ चार कार्बन 12 के वो हिस्से आ जाएंगे यानी कि चार न्यूक्लियॉन्स ठीक है क्योंकि खुद में इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं फोर न्यूक्लियॉन्स सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि लिथियम के लिए लिथियम का मास कितना होता है लिथियम का मास होता है 7 एएमयू बेटा क्या मतलब है इसका ये सात गुना भारी है 1/12th ऑफ C12 से जिसको हम क्या बोलते हैं 1 एएमयू बोलते हैं इज इट क्लियर क्लियर चलो नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं फोर्टीन ए क्या मतलब हुआ फोर्टीन इंटू वन टूल्थ ऑफ सी टूएल्व हां हां पानी पी लेती हूं हाँ बुलबुल बेटा न्यूटन लॉ तो वही रहता है ना हर साल न्यूटन आईफोन की तरह अपने लॉ को अपडेट थोड़ी करता रहता है बुलबुल बुल के हिसाब से न्यूटन हर साल पैदा होकर अपने आईफोन को अपडेट मतलब अपने लॉ को अपडेट करेगा कि नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी वालों के लिए अलग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वालों के लिए अलग ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वालों के लिए अलग है ना आईफोन नहीं है बेटा कॉन्सेप्ट हर साल वही रहते हैं ठीक है हाँ जी क्लियर है अरे बेटा कोई नहीं पूछेगा ऑक्सीजन क्यों लिया ऑक्सीजन रिएक्टिव है ये सब इतनी जिनसे पूछना चाहिए था वो तो आज अवेलेबल भी नहीं है बेटा स्टडी ना हो ठीक है ओके चलो बढ़ते हैं आगे एटॉमिक मास में समझ में आ गया नाउ सी द मैजिक ऑफ नेचर अब हम नेचर का मैजिक देखेंगे मुझे ये बताओ हीलियम के एक एटम को मैं फोर एएमयू लिखती हूं या फिर मैं फोर ग्राम्स लिखती हूं ये सेम है या डिफरेंट है एएमयू की जगह ग्राम में भी तो मिलता है वेट सेम है या डिफरेंट -फड़ है फटाफट बताओ क्विकली बताओ डिफरेंट है मानते हो थैंक यू शुभांगी शर्मा डिफरेंट है मानते हो सेम नहीं है सेम कैसे हो सकता है सेम कैसे हो सकता है बेटा नेचर का मैजिक सुनिए सोचिए कि क्या है के एक आटम का मास है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और जिस न्यूक्लियस के अंदर चार न्यूक्लियॉन्स हैं दो प्रोटॉन

सेवन टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ऑफ सी ट्वेल्व जिसको हमने रेफरेंस माना है 1 और इन सिंपलर टर्म्स आप बोलोगे क्योंकि लिथियम के न्यूक्लियस में टोटल सात न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं और एवरेज मास पर न्यूक्लियॉन वन एमयू है तो हीलियम का मास हुआ ना सेवन एमयू लेकिन वो प्रति एटम का मास है एक एटम का लेकिन अगर मैं हटा के 7 ग्राम लिख no रुपए हमको मिल जाए तो इस जिंदगी में हम खर्च नहीं सकते भले हम एक एक सेकंड में दस लाख रुपए खर्चे तो भी मोलपति बहुत बड़ी चीज होती है तो करोड़पति होता तो करोड़ है ना तो करोड़पति लखपति है मोलपति तो एब्सोल्युटली बहुत बड़ी चीज होती है ठीक है तो सेवन एमयू एक एटम का मास सेवन ग्राम एक मोल एटम का मास सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं सिक्सटीन एमयू इसका क्या मतलब है सिक्सटीन एमयू का ऑक्सीजन के बिटू एक

बिल्कुल मैं बेबी स्टेप समझा रही हूँ तुमको छोटी छोटी चीजें कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में चौदह न्यूक्लियॉन्स होते हैं ठीक है सेवन प्रोटोन सेवन न्यूट्रॉन ठीक है तो अगर तुमने आ, एवरेज मास पर न्यूक्लियॉन को वन एमयू बोला है तो क्योंकि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में फोर्टीन न्यूक्लियॉन्स हैं तो हो गया ना नाइट्रोजन का मास वन एम फोर्टीन एमयू बट वो वन आइटम का मास हुआ ठीक है फोर्टीन ग्राम लिखते ही किस में बदल जाएगा एक मोल एटम्स का मास तो क्या ये फंडा क्लियर है कि यार एमयू में लिखेंगे तो एक एक एटम का मास होगा और ग्राम में लिखेंगे तो एक एक मोल एटम का मास होगा एंड अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वन एमयू आई मीन वन एटम एंड वन मोल एटम एक रुपए में और एक मोल रुपए में डिफरेंस जानते हैं एक रुपया तो मतलब एक रुपया ही होता है यार एक रुपया और एक मोल रुपए कितना होता है जब उसके आगे आप ट्वेंटी थ्री जीरो एक एक जीरो से सौ हजार बनता है हजार आ, दस हजार बनता है दस हजार लाख बनता है लाख दस लाख बनता है दस लाख करोड़ बन जाता है तो एक रुपए और एक मोल रुपए में जो अंतर है वो एक आटम और एक मोल आटम में भी है समझ रहे हैं कैन यू गिव मी अप नहीं बेटा नमन राजपूत कह रहे एक न्यूट्रॉन का मास वन एमयू का बेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में माइनर सा डिफरेंस होता है जिसमें न्यूट्रॉन भारी होता है प्रोटॉन से तो एवरेज निकाल लो टोटल बारह है ना कार्बन के तो इन्होंने क्या किया छह अलग मासेस के छह छः मतलब टोटल बारह खिलाड़ी थे छह अलग पार्टी के यानी छह प्रोटॉन और छह न्यूट्रॉन तो इन्होंने ना उन पूरा का पूरा सबके मासिस का सम किया डिवाइडेड बाय ट्वेल्व किया तो इनके पास एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियन है उसको इन्होंने वन एम यू बुलाया ठीक है क्लियर एक मोल रुपीज कमाना है करो फिर ट्राई बनो आई आई टी एन ओके चलो इतना हमें समझ में आ गया कि ये ए एमयू है ये एमयू में दिए गए मासेस जो होते हैं वो एक एक एटम के मासेस होते हैं और मोल आई मीन ग्राम में दिए हुए जो मासेस होते हैं वो एक एक मोल एटम्स के मासेस होते हैं अब एक चीज सोचो कि अगर हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के वन मोल की मैं बात करूंगी तो इस पट इस पोटली में पोटली है ना ये इस पोटली में अगर मैं वन मोल हाइड्रोजन भर दूंगी तो उस सबका मिला के मास वन ग्राम आएगा एक्चुअली एक हाइड्रोजन आटम का मास वन एम होता है तुम्हें हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बारे में पता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो होता है उसके उसके बारे में पता है उसके अंदर सिर्फ एक न्यूट्रॉन नहीं होता मोस्ट कॉमन आइसोटोप होता है, जो हम करते है में, जिसके बारे में हम जानते हैं। मैं और की बात नहीं कर रही उसके अंदर एक होता है तो एक ही एक आइटम का मास वन एमयू और एक मोल आइटम्स का मास वन ग्राम तो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन जिसके अंदर जीरो डबल टू टू टेन थ्री हाइड्रोजन आइटम है जो कि पोटली में बंद है उसका मास एक ग्राम है इस पोटली के अंदर बंद हाइड्रोजन का टोटल वजन एक ग्राम

कॉपर हो एल्यूमिनियम हो अगर मैं एक मोल बोलती हूँ तो मैं एनी टाइम सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन की ही बात करती हूँ यह बात सबको क्लियर है ना अगर मैं बोलूँ एक मोल लोग मतलब एक मोल रुपए मतलब अगर मैं बोलूंगी एक मोल एटम ऑफ गोल्ड तो सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मोलर मास क्या बोलेंगे मोलर मास विच इज मास ऑफ वन मोल मोलर मास ये क्या है एटॉमिक मास ये क्या है मोलर मास आल्सो कॉल्ड एस ग्राम एटॉमिक मास ये थोड़ा सा लर्न करो धीरे धीरे याद हो जाएगा वैसे ग्राम एटॉमिक मास यानी मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स क्लियर चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चलते हैं अब मैं तुमसे एक चीज पूछती हूं यार मोल इज अ नंबर मोल इज अ नंबर ठीक है जिसकी वैल्यू क्या है सिक्स पॉइंट के लिए ये वैल्यू फिक्स्ड है, मुझे कि अगर एक मोल की मैं वैल्यू की बात कर रही हूं तो वो सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन के पास ट्वेंटी थ्री इज अ नंबर लेकिन भगवान ने इस खुदा ने बहुत एलिमेंट्स बनाए जहां लोहा बनाया वहां सोना भी बनाया चांदी भी बनाई हीरा भी बनाया बहुत चीज़ें बनाई ठीक है लेकिन इन्होंने कहा कि नेचर के बनाए हुए हर एलिमेंट में सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन के पास ट्वेंटी थ्री आइटम्स का मास अलग हुआ नंबर फिक्स्ड है ना मासेस फिक्स नहीं है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस सेम नहीं हो सकते अगर मैं एक डजन एप्पल खरीद के लाती हूँ उसको तोलूंगी तो हो सकता है वो दो ढाई किलो तुलें लेकिन मैं जब बारह अंगूर तोलूंगी तो कितने कम तुलेंगे अगर मैं बारह अंगूर तो लूंगी तो उनका तो कोई वजन ही नहीं आएगा तो वही बारह अंगूर हैं जो मुट्ठी में समा गए हल्के से और वही बारह एप्पल हैं जो कि थैले में समाए और वही बारह तरबूज है हाउ मेनी ऑफ यू लाइक ईटिंग वाटरमेलन इन दिस सीजन बारह तरबूज तो बाई गॉड तुम उठा के थोड़ी सी दूर तक चल नहीं सकते हो इतने भारी हो जाएंगे तो नंबर तुम फिक्स कर लो बारह अंगूर बारह ग्रेप्स बारह एप्पल्स बारह वॉटरमेलन भाई वॉटरमेलन तो बहुत भारी है जो ये इसी तरीके से हम एटम्स की बात करें तो यहाँ पे तुम ये देखो कि इधर किसको मेजर कर रहे हैं हम लेट यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है मैं इसको लेबल कर देती हूँ वन मोल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स विल वे डिफरेंशियली वन मोल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का मास अलग अलग होगा जैसे इधर मैंने अगर एक मोल लेट से गोल्ड रख दिया ए यू ए यू मतलब गोल्ड रख दिया तो इस एक मोल का मास होता है वन नाइनटी सेवन ग्राम्स क्या मास होता है एल्यूमिनियम मतलब तो एल्यूमिनियम एक मोल एल्यूमिनियम रख दिया तो इसका मास हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ग्राम्स इसका मतलब एप्पल जैसा हुआ कुछ हल्का और अगर मैंने एक मोल हाइड्रोजन रख दिया तो इसका मास मात्र वन ग्राम आएगा यानी कि यानी कि अंगूर जैसा हो गया मतलब तुलनात्मक स्टडी मतलब कंपैरेटिव स्टडी तो ये भारी है वही एक मोल है लेकिन वजन ज्यादा है वही एक मोल है लेकिन वजन कम है और वही एक मोल है वजन बहुत कम है वही बारह तरबूज बहुत भारी थे वही बारह एप्पल्स उतने भारी नहीं थे और वही बारह अंगूर हाथ में ही समा गए इतने कम थे वजन में कुछ थे ही नहीं ना साइज में ना वेट में तो नंबर एक मोल का फिक्स होता है 610 10 के पर 23 लेकिन अलग-अलग एलिमेंट्स -अलग के वन वन मोल का मास अलग होता है और उसको हम मोलर मास बोलते हैं इज इट अंडरस्टूड गिव मी थम्स अप एंड यू कैन लाइक द सेशन आल्सो बेटा आर्यन पाटनी गोल्ड के एक मोल का मास नेचर ने 197 ग्राम बनाया उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते नेचर ने अंगूर इतने हल्के क्यों बनाए और तरबूज इतने भारी क्यों उसको क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हैं और लाइक कर दो यार सेशन को तुम लाइक ही नहीं करते हो जल्दी से लाइक कर दो हाय कृष्णा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू बेटा अमरेश कुमार अभी कैटाइने के, के नाइनेक पे मत आओ बेटा बेटा ये नंबर बद्री विशाल गुप्ता ये ने किया है मैंने नहीं किया किसी और ने नहीं किया बनाया भगवान है एवोकेट्रो ने बनाया नहीं है नंबर ये नंबर सिर्फ इस गुत्थी को सुलझा बहुत सारे सवाल है नेचर में यार जिनका जवाब नहीं हो सकता मैं तु, मैं, तु, मैं तुमसे एक दो सवाल और पूछती हूँ हमारी आंखें ऐसे क्यों ऐसी क्यों है यहाँ और यहाँ लगती तो ज्यादा बढ़िया देख पाती डायमेंशन ज्यादा कवर होती पीछे का भी दिखता थोड़ा यहाँ तक का भी अगर इधर होती तो आंखें और हमारी जो आंखें वो दो ही क्यों है चार क्यों नहीं है दो आगे होती और दो पीछे होती तो और भी शानदार मामला होता उंगलियां दस ही क्यों है बारह क्यों नहीं है एक और होती तो और भी बढ़िया मामला होता और गाय भैसे जो होती है वो चार टांगों पर हम दो टांगों पर क्यों चलते हैं तो ऐसे नेचर के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आंसर्ड नहीं किए जा सकते हैं ये तो तुम

जो हमारा खून है उसमें पानी है मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है ऑयल कंटेंट क्यों नहीं है भगवान है ना बना सकता था ऑयल कंटेंट खून में ऑयल कंटेंट तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो अन आंसर्ड है तो वन मोल जो है ये वैल्यू एवोगेड्रो की डिस्कवर्ड नहीं है उसने सिर्फ इसको डीकोड किया है ठीक है क्लियर हाँ आरे पार्टनी इसको तो लर्न करना पड़ेगा सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसको तो अपन को क्या करना पड़ेगा लर्न ही करना पड़ेगा ठीक है तो चलो अब तक हम क्या समझे हैं अब तक मैं अपने बच्चों को जो समझा पाई हूं मुझे लगता है वो ये है थोड़ा सा रिव्यू करते हैं देन आ, हम अच्छे सवाल लगाने वाले हैं अब तक मैं अपने बच्चों को ये समझा पाई हूं कि जिस तरह पेयर मतलब दो डजन मतलब बारह एंड इसी तरीके से मोल को होता है मोल बोलते हैं सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन के पर ट्वेंटी इट्स जस्ट अ नंबर ठीक है नंबर वाइज ये वैल्यू फिक्स रहती है मतलब जब जब हम एक पेयर की बात करेंगे इट इज ऑलवेज अबाउट टू जब जब हम एक डजन की बात करेंगे इट इज ऑलवेज अबाउट ट्वेल्व जब तक जब जब हम एक मोल की बात करेंगे इट इज ऑलवेज अबाउट सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन के पास ट्वेंटी थ्री ठीक है लेकिन मोलर मासेज अलग अलग होते हैं मोलर मासेज अलग अलग होते हैं मतलब अगर एलिमेंट अलग है तो उसके एक मोल का मास भी अलग होगा अगर मैं सोडियम का एग्जाम्पल ले लूँ तो सोडियम के एक मोल का मास तेईस ग्राम होता है जबकि एल्यूमिनियम का सत्ताईस ग्राम होता है वहीं लिथियम का सात ग्राम होता है और हाइड्रोजन का एक ग्राम होता है कार्बन का बारह ग्राम होता है नाइट्रोजन का चौदह ग्राम होता है गोल्ड का वन ग्राम होता है सिल्वर का वन ग्राम होता है कॉपर का सिक्सटी ग्राम होता है तो नेचर ने जैसे सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अलग अलग वज़न किया गोभी का एक फूल और गुलाब के एक फूल डिफरेंट मास के होते हैं गोभी का एक फूल गुलाब का एक फूल इसी तरीके से नेचर के बनाए हुए बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स भी छोटे बड़े और हल्के भारी होते हैं इसलिए उनके एक एक मोल्स के मासेस डिफरेंट होते हैं और इंडिविजुअली फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं हैव आई मेड दिस पॉइंट क्लियर हैव आई मेड दिस पॉइंट क्लियर हाँ जी शिवम इसका यूनिट आप ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो और मोलर मास लिख रहे हो तो ग्राम भी लिख सकते हो दोनों करेक्ट ठीक है चले आगे चलो जी और सेशन को बेटू लाइक भी कर दो अब ये वाला फंडा सबको क्लियर है मैं सिर्फ यहाँ कुछ चीजें लिखूंगी और आप सिर्फ थम्स अप करेंगे कि यस मैम हमको आता है जैसे मैं लिखती हूँ हिलियम का एटॉमिक मास फोर एम यू है ठीक है इसका मतलब मैं हिलियम के एक आइटम के मास की बात कर रही हूँ जिसमें चार न्यूक्लियन है और वो प्रति न्यूक्लियन जो एवरेज मास है जिसको वन न्यूक्लियन बोलते हैं उससे चार गुना भारी है ठीक है और ग्राम एटॉमिक मास फोर ग्राम है जिसको मोलर मास बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा मोलर मास बोलते हैं ठीक है फोर ग्राम इस विच मीनस हिलियम के अंदर हिलियम के चार ग्राम की मैं बात करूंगी तो उसके अंदर सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन के पास ट्वेंटी थ्री हिलियम एटम्स आ जाएंगे ठीक है इसी तरीके से के बजाय अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का जो एक एटम का मास होता है वो वन नाइनटी सेवन काफी भारी है वन नाइनटी सेवन एएमयू होता है एएमयू का मतलब होता है बेटा वन एटम का मास एएमयू का मतलब होता है वन एटम का मास जिसके अंदर वन हंड्रेड एंड नाइनटी सेवन न्यूक्लियन पाए जाते हैं लेकिन इसका मोलर मास वन नाइनटी सेवन ग्राम हो जाता है

और दो न्यूक्लियन हाइड्रोजन के अंदर वन वन एच, वन वन एच, ठीक है 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 लेकिन अगर मैं ग्राम ग्राम लिख देती बेटा तो इसका क्या मतलब होता है? 18 ग्राम का मतलब होता होता का कि पानी के एक की 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 अमोनिया की बात कर लेते हैं अमोनिया एज अ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा इसका कितना हाइड्रोजन क्यों? क्यों कि के अंदर एक

करती हूं तो 16 amu 16 amu का मतलब क्या है एक मीथेन मॉलिक्यूल का मास जिसके अंदर 16 न्यूक्लियंस इन टोटल हैं लेकिन मैं 16 ग्राम लिखती हूँ तो एक मोल मीथेन मॉलिक्यूल्स का मास आ जाता है मतलब 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के मासेस हैं ये ये एक-एक मॉलिक्यूल -एक के मासेस हैं ये अनेक एक, अनेक एक अनेक एक अनेक amu में एक ग्राम में अनेक amu में एक ग्राम में अनेक ठीक है क्लियर ओके प्यारे बच्चों क्रिस्टल क्लियर ऑल राइट अब इसी को एक पानी पी एक मिनट थोड़ी देर पहले मैंने तुमको एक एग्जाम्पल दिया था कि यार बच्चों नेचर में जैसे सारे फलों के वजन एक जैसे नहीं है जहां अंगूर बहुत हल्का होता है वहीं तरबूज बहुत भारी होता है जहां हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है वहीं पे गोल्ड बहुत भारी एटम होता है तो अगर नेचर अगर नेचर फलों में जैसे एप्पल को एज एन एग्जाम्पल लो सारे एप्पल्स का मास एक जैसा बनाता जैसे कि सारे हाइड्रोजन का मास है बेटा हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन आटम का मास एक जितना ही होता है हाइड्रोजन आटम अगर वो है तो उसका मास वही जाएगा नेचर ने एटम्स का मास एक जैसा बनाया है फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जितने वजन के होते हैं अगर हाइड्रोजन है तो सारे हाइड्रोजन एक जितने कार्बन है तो सारे कार्बन एक, तो एक जितने नाइट्रोजन है तो सारे नाइट्रोजन एक जितने वजन के होते हैं लेकिन फलों में ऐसा नहीं होता बड़ा तरबूज छह किलो का छोटा तरबूज एक किलो का फलों में डिफरेंस होता है अगर नेचर ऐसा करता कि जो एलिमेंट्स के साथ किया है ना नेचर ने वही खेल फलों के साथ भी करता कि चाहे एप्पल वॉशिंगटन का हो या शिमला का हो वजन एप्पल का फिक्स रहेगा जैसे कि एटम्स का फिक्स होता है अगर ऐसा करता एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर ऐसा करता तो मुझे ये बताओ मैं तुम्हें एक रैंडम डेटा दे रही हूं कि नेचर ने सारे एप्पल एक जैसे वजन के बनाए और बारह एप्पल का वजन आधा किलो है फाइव हंड्रेड बारह यानी एक डजन एप्पल का मास नेचर ने फिक्स कर दिया है कि तुम वॉशिंगटन से ले आओ तुम शिमला से ले आओ तुम कहीं से भी ले आओ वो कितना है वो पांच सौ ग्राम है अब मुझे बताओ छत्तीस एप्पल कितने डजन हुए जनरल एक हल्का सा सवाल है ये तो तुम कर ही क्विकली

छत्तीस बाय ट्वेल्व हो जाएगा थ्री डजन का मास हो जाएगा पंद्रह सौ ग्राम डजन है ग्राम, नहीं, हजार ग्राम कितना है।, 5 dozen है क्यों क्योंकि तुमने गिवन मास, को एक के मास से डिवाइड कर लिया तुमने गिवन मास को एक डजन के मास से क्या कर लिया डिवाइड कर लिया कितना आ गया पांच डजन आ गया इसका मतलब अगर तुम्हें नंबर दिया जाएगा तो तुम फिक्स नंबर से डिवाइड करोगे और अगर तुम्हें मास दिया जाएगा तो तुम फिक्स्ड मास से डिवाइड करोगे तो एलिमेंट्स में भी तो हम ऐसा कर सकते हैं एलिमेंट्स में भी तो हम ऐसा कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं खाली स्लाइड पर समझाती हूं देखो अगर मैंने तुम्हें बोला कि हाइड्रोजन के नाइन पॉइंट समथिंग इंटू टेन की पार ट्वेंटी थ्री आइटम्स है यह कितने मोल्स हैं तुमने क्या किया मैम सिंस यू हैव गिवन अस विद नंबर वी विल डिड विद नंबर सिक्स पॉइंट जीरो क्या dozen, आ जाएगा 1.5 डजन 1.5 मोल सॉरी डजन हो गया मुझसे डजन निकल गया 1.5 मोल ठीक है 1.5 मोल करेक्ट लेकिन अगर मैं तुम्हें हाइड्रोजन के लिए बोलूं जिसके एक मतलब जो मोलर मास होता है यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है तो दस ग्राम में कितने मोल्स हैं तो तुम यही करोगे दस डिवाइडेड बाय 1 यानी कि

टू मोल है सिंपल है जब मैं तुम्हें नंबर देती हूं तब तुम नंबर से डिवाइड करते हो वन मोल के नंबर से डिवाइड करते हो तो टू मोल आ जाएगा लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हीलियम की बारह ग्राम कितने मोल है आप क्या करोगे हीलियम की बारह ग्राम कितने मोल है आप क्या करोगे हीलियम के बारह ग्राम कितने मोल हैं अब क्या करोगे तीन मोल है मुकुल शाबाश तीन मोल है तीन मोल कैसे है? तुमने हीलियम के फिक्स्ड मास से डिवाइड किया विच इज नोन एज मोलर मास जब तुम हीलियम के एक मोल के मास से डिवाइड करते हो तो तुमको हीलियम के मोल्स मिल जाते हैं कितने हो जाएंगे थ्री मोल ए सिंपल एज दिस एग्जांपल ये जो एग्जांपल अपन ने किया ये वाला अगर तुम्हें ये पता है कि बारह स्टैंड फॉर वन डजन तो तुम्हें रैंडमली कोई भी नंबर दे वो 36 दे चौबीस दे सौ दे एक सौ बीस दे तुम बारह से डिवाइड करके डजन निकालते हो और क्योंकि तुम्हें पता है हर बारह एप्पल्स का वेट आधा किलो है तो तुमको कोई बोले कि आ, टू फाइव जीरो जीरो ग्राम है तुम कहोगे मैम पांच डजन है तुरंत क्योंकि तुम उससे किससे डिवाइड कर लोगे फाइव हंड्रेड ग्राम से तुम्हें कोई बोल दे टू फाइव जीरो 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 ग्राम है तुम बोल दोगे मैम पचास डजन है कोई तुम्हें बोल दे वन के जी मैं लेके आई हूँ कितने डजन लाई तुम्हें पता है यार आधा किलो में बारह चढ़ते हैं तो वन के जी में कितने चढ़ेंगे चौबीस चढ़ जाएंगे बेटा मोलर मास और नंबर दूंगी तो, दूंगी, तो, दूंगी, तो आप वो कह नंबर सो एवरीबडी राइट डाउन दूलाडिंग नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स फटाफट से लिख लो और मुझे कॉमेंट बॉक्स में विम्सअप दे दो नंबर ऑफ मोल्स

मास गिवन है मास से डिवाइड होगा नंबर गिवन है नंबर से डिवाइड होगा मास गिवन है मास से डिवाइड होगा नंबर गिवन है नंबर से डिवाइड होगा नंबर गिवन है और कोई भी एक चीज भी पता है तो बाकी सब जाता है सब कुछ हो जाता है अगर ये चीज भी पता है क्योंकि डिनोमिनेटर सारे है तुम सब डीकोड कर लोगे क्लियर है थैंक यू शिवम बेटा Clear. तो एक नहीं दे सकते हो है? सोचा कभी कैसे बिना तुम्हारे face expressions के पढ़ाते हैं और वैसे ही वो ही जज्बे में तुम मुझे देख सकते हो मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ इनफैक्ट यूट्यूब पे पढ़ाने वाला कोई टीचर तुम्हें नहीं देख पा रहा है सब कुछ देख पा रहे हो उसके एनर्जीज देख पा रहे हो मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ कैन यू शो मी योर एनर्जीज स्माइलिंग हाँ मोल को ग्रामेटो एक मोल के मास को तुषार करेक्ट ठीक है के 23 है एक्जैक्टली exactly, एक्जैक्टली exactly. चलो बढ़ते हैं आगे अब ये तुम्हारा टेस्ट आ गया टेस्ट नंबर टू तीन टेस्ट है आज की क्लास में करो इसको फोर्टी नाइन मोल्स निकालने हैं तुमको ठीक है अगर तुमको मास दिया हुआ है तो मास से डिवाइड करना नंबर दिया जाता है तो नंबर से डिवाइड करना होता है किस चीज के मास से वन मोल के मास से तो एच टू एसओ फोर के वन मोल का मास होता है 98 और मास में तुम्हें दे रही हूँ तुम जल्दी से इस टेस्ट को सोल्व करो पांच नंबर का ये टेस्ट है प्रज्ञा अभी क्लियर हो जाएगा बेटा डोंट वरी ट्वेल्थ की क्लास बेटा मैं लगा रही हूं लग ही नहीं रही है अभी मैंने लगाई है एजियो ट्रॉप की तीन बजे की अब वो इवेंट लग जाएगा तो वो क्लास हो जाएगी आई एम रेडी ऑलवेज टू टेक योर क्लास जीरो पॉइंट फाइव सारे आंसर्स लिख लो फटाफट कॉमा लगा के कर दो इसको एक मिनट का टेस्ट है ये तो खाली इसका मोलर मास है 17 ग्राम इसका मोलर मास है 23 ग्राम इसका मोलर मास है 106 ग्राम और इसका मोलर मास है 256 सारे आंसर एक साथ लिखकर जो बच्चा कॉमा 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 कॉमा, कॉमा पांच आंसर लिखेगा मैं उसको शाउट आउट करूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी देखो यहाँ श्रेया ने आंसर लिखा है 0.5 पहला दूसरा लिखा जीरो तीसरा लिखा टू ये भी सही है चौथा लिखा जीरो बहुत सारे बच्चों के तो ये हो जाएगा भी, 2, आपका कितना जीरो पॉइंट वन ये हो जाएगा टू क्योंकि आप डिवाइड करोगे ना फोर्टी सिक्स बटा ट्वेंटी थ्री तो जीरो पॉइंट फाइव यहाँ डिवाइड करोगे फिफ्टी थ्री बटा वन जीरो सिक्स ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव और यहाँ डिवाइड करोगे नहीं टू तो और यहाँ आप डिवाइड करोगे डिवाइडेड ये हो 0.5 जीरो पॉइंट से पांच नंबर आ गए हैं तो अगले पांच क्वेश्चन को करिए और इसी तरीके से इनका आंसर रिपोर्ट करना है इसका मोलर मास है मास है थ्री फोर्टी टू इसका मोलर मास है इसका मोलर मास है थ्री फोर्टी टू करो फटाफट से आंसर पांचों का फिर जेई मेन्स के क्वेश्चन लगाएंगे श्रेया का वापस आंसर सबसे पहले आया है जीरो पॉइंट टू थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय सेवन पॉइंट फाइव नाइनटी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व देन उसके बाद में थ्री पॉइंट फोर जीरो पॉइंट जीरो वन और वन पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट वन और थ्री पॉइंट टू 3.2 जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट फोर टू कर दो इसको भले थ्री पॉइंट टू 3.42 थ्री फोर्टी टू अच्छा थ्री फोर्टी ये इधर मिथेन लिखा इधर ये लिखा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ ठीक है थ्री पॉइंट फोर टू और ये हो ही गया तो टेंथ क्वेश्चन को काट दो तुम तो, इसको काट दो क्योंकि ये मीथेन भी लिखा हुआ है और सुक्रोज भी लिखा हुआ है तो गलत है ठीक है ओके जी क्लियर वेरी गुड अब करते हैं हम एक बम्पर टेस्ट जितना भी हमने समझा मैं रिव्यू कराऊंगी एट एट द एंड ऑफ द क्लास में दिस इज योर बम्पर टेस्ट फॉर टू क्लास मतलब आज के सेशन में से जो जो भी सवाल कभी ना कभी जेई मेंस में आए हुए हैं जैसे कि देखो जेई मीस ऑनलाइन टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन जई मीन्स टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन जेई मीस टू थाउजें थर्टीन का क्वेश्चन एंड टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन तो टोटल मिला करके मैंने आपके पांच क्वेश्चन का ये टेस्ट लगाया है एंड दस नंबर का ये टेस्ट है ठीक है टेन मार्क्स का टू टू मार्क्स ईच करना शुरू करेंगे मैं सारे क्वेश्चन सोल्व भी करवाऊंगी दस मार्क्स का टेस्ट है टेक इट वेरी वेरी सीरियसली टेक इट वेरी वेरी सीरियसली क्विकली करिएगा विच ऑफ द फॉलिंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा आइटम्स इनमें से किस में है और आप मुझसे अगर कुछ भी कहना चाहें तो आप कमेंट्स लिख करके मुझसे बात कर सकते हैं क्योंकि कमेंट्स में सारे पढ़ती हूँ ठीक है जब ये सेशन स्ट्रीम ऑफ हो जाता है मतलब जब मैं चली जाती हूं तब आप कमेंट लिख सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं बी आ रहा है लता का बी आ रहा है इधर तुषार का भी भी आ रहा है कृष्णा का भी भी आ रहा है

मैं दस डजन इरेजर खरीद के लाई हूँ मैं एक सौ बीस इरेजर खरीद के लाई हूँ जितने ज्यादा डजन उतनी ज्यादा स्पीशीज होंगी ना तो जितने ज्यादा मोल्स उतनी ज्यादा स्पीशीज होंगी तो यहाँ पे मैं मोल्स कैलकुलेट कर रही हूँ इलेवन डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर तो जीरो पॉइंट टू फाइव मोल्स आ रहा है ठीक है इधर देखो फोर डिवाइडेड बाई एच टू है ना एच टू यहाँ लिखा जरूर है पर आपको एटम्स निकालना है तो सीधा वन से मतलब डिवाइड करना तो फोर डिवाइडेड बाय वन यानी कि यह आ जाएगा फोर मोल फाइव डिवाइडेड बाय एटम्स बोल रहा है तो अमोनिया का मास हो जाएगा आपका सेवनटीन फिर इंटू आएगा फोर ठीक है जितने मोल्स इंटू फोर करना पड़ेगा ये समझ में नहीं आया तो बताना मुझे और एट डिवाइडेड बाय बाई स थर्टी टू इंटू थ्री इन एनी केस ये एक मोल से कम है ये भी कम है ये भी कम है तुम्हें तो टिक मारना है ये ठीक है नेक्स्ट करें नेक्स्ट करें नंबर ऑफ सोडियम आइटम इन दो मोल ऑफ

DR है देखो कॉन्फिडेंट है दो मोल ऑफ दिस एन ए फोर एफ इसके एक मोल ऑफ दिस कंसिस्ट ऑफ फोर मोल ऑफ सोडियम क्योंकि एक एक पूरी एंटाइटी में चार सोडियम आटे है तो एक मोल में भी तो चार होंगे अगर एक बॉक्स में मैं चार पेंसिल रखूंगी तो एक डजन बॉक्सेस में चार डजन पेंसिल आ जाएंगी ना एक बॉक्स में मैंने चार पेंसिल रखती हूँ मैं ऐसे मैं एक डजन बॉक्सेस रेडी करती हूँ तो एक डजन बॉक्स में चार डजन पेंसिल आ जाएंगी क्योंकि एवरी बॉक्स हैज फोर डजन पेंसिल्स हर बॉक्स में दो ही रेजर हैं तो एक डजन बॉक्सेस में दो डजन रेजर्स हैं हर मॉलिक्यूल में चार सोडियम आइटम्स हैं तो एक मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ फोर मोल ऑफ सोडियम आइटम्स ठीक है फोर नहीं हाँ एक मोल में फोर मोल हो गए अब इसने कितना है बोला है इसने तो दो मोल बोला है ना तो कितने मोल हो जाएंगे एट मोल और एट मोल को लिखोगे तो क्या आएगा एट इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पार ट्वेंटी थ्री यानी करेक्ट आंसर है सी ठीक है क्लियर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन्स टू का क्वेश्चन है कि थ्री मोल ऑफ पानी में ऑक्सीजन कितनी पड़ी हुई है कोई बात नहीं बेटू शिवम सोनी कोई बात नहीं आज ट्वेल्थ की क्लास पायल नहीं है मेरी बेटा कल होगी आई थिंक कल है मेरे स्केड्यूल में चेक कर लूंगी हां जी क्या आंसर आ रहा है डी आ रहा है क्या इसका आयुष का डी आ रहा है भक्ति का डी आ रहा है लोक यादव का डी आ रहा है कहीं का डी आ रहा है लेट मी जस्ट चेक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल थ्री पॉइंट सिक्स मोल ऑफ वॉटर बाय द वे वन मोल ऑफ वॉटर ऑक्सीजन अमाउंट क्या है वन मोल ऑफ एच टू ओ हैज सिक्सटीन ग्राम ऑक्सीजन तो 3.6 मोल ऑफ H2O हैज 3.6 16 ग्राम ऑक्सीजन आंसर होगा 57.6 ग्राम ठीक है नेक्स्ट करो जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1 बाय 1:4 द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज श्रेया गुप्ता ऑफ कोर्स ही डिजर्व कितने तो सही आंसर दे रहे हो बेटा रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज़ वन टू फोर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देर इज़ आर्ट्स विद आईजी बेटा कहाँ पूछ रहे हो प्लस पे पूछ रहे हो या यूट्यूब पे पूछ रहे हो मासेज का रेशियो दे रखा है आपको मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है मैं आपको एक हिंट दे सकती हूं मॉलिक्यूल्स का रेशियो वही होता है जो मोल्स का रेशियो होता है मॉलिक्यूल्स molecule, का रेशियो वही होता है जो मोल्स का रेशियो होता है इसका मतलब अगर आपसे मोल्स मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछ रहा है तो मोल्स का रेशियो निकालो YouTube पर बेटा मैंने कल का इवेंट भरा तो हुआ है आई एम ऑल्सो वेटिंग कि वो लोग इवेंट लगा देंगे तो कल मैं तीन बजे प्रकट हो जाऊंगी अब परसों भी यही हुआ था कि मैंने भरा हुआ था इवेंट नहीं लगा तो मैंने स्पेशल क्लास ले ली थी परसों नहीं कल की बात है कल के लिए मैंने भरा हुआ है अगर नहीं लेंगे तो मैं आ जाऊंगी वापस स्पेशल पे कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो सारे बच्चे गलत कर रहे हो सारे बच्चे गलत कर रहे हो सुनो आपको निकालना है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स रेशियो ऑफ कॉपीज में लिखिएगा आपने है ना रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मोल्स जो मैं बताई रही हूं आपको रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मोल्स और रेशियो ऑफ मोल्स फॉर ऑक्सीजन

क्या रेशियो हुआ ये बताओ जरा वन अपॉन थर्टी टू इंटू ट्वेंटी एट अपॉन फोर ये क्या रेशियो हुआ ये ये रेशियो क्या नजर आ रहा है तुमको अब बोलो क्या आंसर आ रहा है कैसे आ सकता है थर्टी टू आ जाएगा ना सेवन इज टू थर्टी टू आ जाएगा समझे ट्विस्ट समझे उसने आपसे रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा ऑफ मोल्स तो के लिए आपको साथ को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको पता था और निकालना था, तो given, करेंगे अगर समझ में आया तो और फिर अगला सवाल ट्राई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किस में पाए जा रहे हैं जे मेंस ऑनलाइन 2013 में है और बताना मुझे कितने सही गए तुम लोगों के बेटा मेरा गिव अवे यही होगा मोटिवेशन वीडियो कि मैं तुम्हारे साथ जितनी मेहनत तुम करोगे उतनी ही मेहनत तुम्हारे साथ मैं करूंगी और गिव अवे ये होगा कि अगर तुम आईआईटी में सिलेक्ट हो गए ये सबसे बड़ा गिव अवे है मेरे लिए तुम्हारी गुरुदक्षिणा और तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिव अवे कि मैं पूरी मेहनत करूंगी कि तुम वहां पहुंच सको जहां तुम पहुंचना चाहते हो डी इन आयोडीन आयोडीन का मास के फॉर्म में ही होता है और हाइड्रोजन एच टू के फॉर्म में होता है वो कह रहा है आटम बोल रहा है बेटा ध्यान से सुनना आइटम बोल रहा है फर्स्ट वाला केस वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो

71.0 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का मास कितना होता है सी का मास तो 35.5 होता है सी टू का मास कितना होता है 71.0 ठीक है और फोर्थ 4.0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एच टू है तो टू ग्राम तो ये टू मोल है अब एटम्स की बात करते हैं ये वन मोल है ये टू मोल है ये टू मोल है, है और ये हाफ मोल है अब तुम बात करो ये तो मैंने मॉलिक्यूल्स निकाले हैं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आई फाउंड है ना मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आई फाउंड हाँ, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है अब एक आयोडीन के आटम में, एक आयोडीन आयोडीन के के में में मॉलिक्यूल दो आइटम्स होते हैं तो इसको इंटू टू कर दो इसके अंदर तो एक ही होता है मैग्नीशियम तो डायटॉमिक होता नहीं है तो ये तो सेम रहेगा इसके अंदर कितना हो जाएगा सेवेंटी जीरो और इंटू टू ठीक है और फोर पॉइंट जीरो भी इंटू टू हो जाएगा तो सबसे हाईएस्ट यह आएगा ना डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है वैसे तो देखने से ही पता लग रहा है मैंने फिर भी पूरा सॉल्व किया लेकिन इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं ताकि हमारी कमांड हासिल हो ठीक है एक क्वेश्चन को अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसकी चिंता नहीं करना नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं नेक्स्ट करो लास्ट क्वेश्चन हाँ फोर्थ ही तो किया ना बिट्टू फोर्थ ही किया मल्टीप्लाई टू इसलिए क्या चाह रहा क्योंकि जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर दो दो एटम्स है ना जैसे लेट से हाइड्रोजन है एच तो H2 टू के अगर तुम मोल्स देखोगे तो हर H2 में दो दो हाइड्रोजन एटम्स है तो एटम्स निकालने के लिए टू से मल्टीप्लाई भाई एक बॉक्स में दो पेंसिल हैं तो अगर तुम्हें बॉक्सेस का नंबर पता लगेगा तो पेंसिल निकालने के लिए तो तुम दो से ही मल्टीप्लाई करोगे ना समझे बात को एक बॉक्स में दो पेंसिल है मैं आगे से हट जाऊं या नीचे झुक जाऊं एक बॉक्स में दो पेंसिल्स है तो अगर तुम पता लगे तुम्हारे तुम पास से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कर रहे हो बट ऐसे क्वेश्चन में, में इसलिए चिंता नहीं करो इसमें क्या करें ओहो हो गया कबाड़ा होमवर्क में दे दू इस क्वेश्चन को करके लाओगे इजी है बहुत ज्यादा चलो कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर ठीक है ये होमवर्क ले लो तुम अब मैं मैं मन तो बात हो रहा है था हिंट दे दूंगा मैं हिंट दूंगी नहीं क्योंकि मैं तुम्हें हिंट दूंगी तो तुम्हारे रस्ते का वो हर्डल होगा ऐसी हिंट्स अब मैं तुमको आ, थोड़ा सा कंसाइज में ब्रीफ में बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा आज हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि जिस तरह किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करने के लिए करने के बाद वो पेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है टाइम क्या हो गया ओमाई गॉट थ्री थर्टी हो गया जिस तरह किसी भी नंबर को ट्वेल्व से डिवाइड करने से वो डजन में बदल जाता है

नंबर चीज़ दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि अगर हम कोई भी मास को ए में लिखते हैं जैसे हीलियम का मैं फोर एएमयू लिखूं हाइड्रोजन का मैं वन एम लिखूं कार्बन का मैं ट्वेल्व ए लिखूं अगर मैं किसी भी मास को एएमयू में रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो एक्चुअली एक एक एटम्स या एक एक मॉलिक्यूल्स के मास होते हैं जैसे ही फोर ए एमयू उसके एक एटम का मास है हाइड्रोजन का वन एक एटम का मास है लिथियम का सेवन ए उसके एक एटम का मास है और कार्बन का एक ट्वेल्व ए उसके एक एटम का मास है बट अगर मैं इसी ए को कन्वर्ट करके किस में बदल दू ग्राम में बदल दू इसी ए को कन्वर्ट करके मैं ग्राम में लिख दूं जैसे कार्बन के लिए लिखूं मैं बारह ग्राम या ऑक्सीजन के लिए लिखूँ मैं सोलह ग्राम या फिर नाइट्रोजन के लिए लिखूँ मैं फोर्टीन ग्राम तो एक्चुअली वो एक मोल मास नहीं रहता एक न एक एटम का मास नहीं रहता है वो एक मोल का मास बन जाता है एक एटम का मास नहीं रहता है वो एक मोल का मास बन जाता है मतलब हीलियम के लिए 4 amu एक एटम का मास और 4 ग्राम एक मोल एटम्स का मास ऑक्सीजन के लिए 16 amu एक एटम का मास और 16 ग्राम एक मोल एटम का मास इनको हम बोलते हैं एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास एटॉमिक मास किसको बोल रहे हैं जिसको हम amu में लिख रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास किसको बोल रहे हैं जिसको हम ग्राम में लिख रहे हैं ये एटॉमिक मास है ये ग्राम एटॉमिक मास है जिनको मोलर मासज भी बोला जाता है ठीक है फिर हमने पढ़ा कि यही चीज मॉलिक्यूल्स के साथ भी होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल फोर्टी फोर का होता है ठीक है क्योंकि इसमें 44 न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के सम को तो 44 न्यूक्लियॉन्स हैं ठीक है लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 44 ग्राम तो अगर मैं 44 फोर एम यू लिख रही हूं तो वो मॉलिक्यूलर मास है लेकिन मैं 44 ग्राम लिख रही हूँ तो वो एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है वो एक मोल mol मॉलिक्यूल का मास है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ठीक है ग्राम में लिखते ही पूरे मायने बदल जाते हैं

गिवन नंबर अपॉन एवोकेट्रो नंबर एंड गिवन मास अपॉन मोलर मास नंबर मिलेगा तो नंबर से डिवाइड करोगे मास मिलेगा तो मास से डिवाइड करोगे नंबर मिलेगा तो नंबर से डिवाइड करोगे मास मिलेगा तो मास से डिवाइड करोगे इस चीज पे प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए आज जिन जिन बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है कि मैम टू से क्यों मल्टीप्लाई किया या मैम थ्री से क्यों मल्टीप्लाई किया और मैम हमसे जेई के क्वेश्चन नहीं लगे तो मैं आपको बता दू नेक्स्ट क्लास जब एंड होगी तो यही जेई के, के क्वेश्चन तुमको फुद्दू लगने लगेंगे तुम्हें लगेगा मैम इनमें तो कुछ था ही नहीं ऐसे ही आते हैं इजी ईजी चीज को भी समझना पड़ता है ना आज कोई चीज तुम्हारे लिए इजी कब बनेगी जब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो कॉन्सेप्ट अगली क्लास में इसको डिटेल में लेके जाएंगे इस फॉर्मूले के दैट्स इट फॉर टुडे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस में लिखोगे कमेंट बॉक्स में लिखना मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा इलेवंथ एंड ट्वेल्थ की पढ़ाई शुरू हो चुकी है है ना जेई लाइव डेली में और मंडे वेंसडे फ्राइडे को आपकी सेशन जो है लगातार बारह से लेकर साढ़े तक पढ़ाई होती है जेई -E की ठीक है आई टी क्राक करना है हमारे साथ रेगुलरली बने रहिए अगर कंफ्यूज रहेंगे नहीं उससे पढ़ लें उससे पढ़ लें उससे पढ़ लें यहां पढ़ लें वहां पढ़ लें एक दिन पढ़ लें एक दिन छुट्टी कर लें तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला यू हैव टू बी वेरी वेरी रेगुलर यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो आपको अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा तभी आपका कुछ होगा तो ये 2024 ट्वेंटी फोर एसपीरियंस के लिए ये 2023 ट्वेंटी थ्री लिए है एंड टाइन एल डॉट कॉम स्लैश प्ले जेई पे आपको जुड़ना है इस पर जुड़ेंगे बेटा आप आप सारे बहुत सारे नोट्स बहुत सारे सेशन से डायरेक्टली से कनेक्ट हो जाएंगे आपको सारी चीजों की एक्सेस मिल जाएगी कोई भी टॉपिक आपको कभी भी पढ़ना है विदाउट टाइम वेस्ट की आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अन अकेडमी जई पब्लिक चैनल पर रहिए क्योंकि कोई भी हम सेशन लगाते हैं तो आप तक जो नोटिफिकेशन है वो इसके थ्रू ही जाता है यहां जो आप फोटोज देख रहे हो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से और लगन से अपने सपनों को पूरा किया है यहां आप भी हो सकते हो और सर्टनली हम चाहेंगे कि ये जो फोटोग्राफ्स इसके नंबर्स में इंक्रीज हो यहाँ ज्यादा नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स है और मैं सर्टनली चाहूंगी कि मेरे बच्चे भी यहाँ आए ताकि अगले साल मैं भी अगले से अगले साल तुम्हारे बारे में लोगों को बता सकूँ की इसको मैंने पढ़ा है इसको मैंने पढ़ा है इसको हमने पढ़ा है इसको हमारी टीम ने पढ़ा है तो इस नंबर में हम इंक्रीज करना चाहते हैं उसके लिए आपको हमारा बहुत साथ देना पड़ेगा हैश टेक्नोलॉजी से हम पढ़ा रहे प्लस के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लाइव क्लास एनवायरमेंट होता है लाइव एंड लीडर बोर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग बेटा एक ट्रू जे एस्पिरेंट को हर वक्त ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि वो स्टैंड कहाँ करता है हर वक्त ये मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करता है इस वक्त पूरी क्लास के अंदर मतलब पूरे जब आप ऑल इंडिया लेवल के किसी एग्जाम को दे रहे हो तो एटलीस्ट तो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे पीछे और किससे आगे हो उस रेस में उस कंपटीशन में आप कहाँ हो क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता है तो हम एक कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे कि हमने ये चैप्टर कर लिया हमने ये चैप्टर कर लिया हमने इस पर प्रैक्टिस लगा ली भाई जब लगाई तो बहुतों ने है बहुतों ने किया है तैयारी पर तैयारी बेस्ट किसकी है वही तो जाएगा उस आई में वही तो निर्णय होगा इस एग्जाम के द्वारा तो आपको ये जजमेंट मिलेगा जब आप अन का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको डेली बेसिस पे लीडर बोर्ड में आपको पता लगेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है

लिए है, तो जज्बा आपको अपने अंदर पैदा करना है तभी वो जज्बा रियालिटी में बदल जाएगा इसीलिए मैं बोलती हूं कि वेलकम an आपने, आपने, आपने इच्छा शक्ति है कितने स्ट्रॉगली आप उस चीज से मोहब्बत करते हो वहां जाना चाहते हो इसी पर निर्भर करता है कि आप वहां पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे ठीक है सो so, सेशन को लाइक like जरूर करिएगा शेयर जरूर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं आपको बता दूं उड़ान कोड के थ्रू आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस के सब्सक्रिप्शन पे और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे जहां प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहे हैं डी पीडीएफ लाइव क्लासेस सब मिलती हैं वहीं जो आप आइकॉनिक लेते हैं तो क्लासेस कॉमन होती हैं लेकिन आपको इंटरएक्टिव मतलब आपका एक पर्सनल कोच अलग से अलॉट हो जाता है और स्टडी प्लानर आपके बना सकता है आपको गाइडलाइंस दे सकता है आपको प्रिंटेड स्टडी मटीरियल मिलता है तो ये एक डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में दोनों ही तरीके के सब्सक्रिप्शन में अपने सपनों को उड़ान देने के लिए उड़ान कोड का यूज करें और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल सकता है बच्चों दिल से जज्बा स्ट्रांग रखना आप हो तो हम हैं और हम हैं तो क्या गम है ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं नेक्स्ट क्लास में बेटा आप मैं आंसर करती हूँ अभी आज बहुत लेट हो गया ये सेशन ठीक है चलो बाय बाय नेक्स्ट क्लास में ये मैं डाउट्स डिस्कस कर लूंगी डोंट वरी मॉर्निंग का मैम कहीं नहीं जा रही मॉर्निंग का मैम बच्चे कहीं नहीं जा रहे मैं भी यही तुम भी यही ठीक है जी प्रॉमिस बाय बाय